हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित 30 एमसीक्यूज का अध्ययन किए हैं। आज पुनः हम इस वीडियोस में कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न क्रमांक 31 है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बी, अशोक के शिलालेख, सी, पुराणों में, या डी, मैगस्थनीस की इंडिका में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी, मैगस्थनीस के इंडिका में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 32 है हमारा। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीस इंडिका, विशाखदत्त, या अशोक के शिलालेख। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, मैगस्थनीस के जो इंडिका है उसमें आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 33 देखें। तो 33 क्या है, किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। तो ए, पाटलिपुत्र, बी, श्रवण बेलगोला, सी, वैशाली, या डी, विदिशा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में आपका चंद्रगुप्त जो मौर्य है अंतिम समय व्यतीत किया था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 34 है फ्रेंड्स। देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है। ए, मास्की लघु स्तंभ, बी, रुमिंदे स्तंभ, सी, क्वीन स्तंभ, या डी, भब्रू स्तंभ। तो डी हो जाएगा इसका, भब्रू स्तंभ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 35 है। भाग एवं बलि क्या थे। ठीक है, सैनिक विभाग, राजस्व विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो इसका जो उत्तर है बी, राजस्व के स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो भाग व बलि राजस्व के जो है स्रोत थे। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 36। निम्नांकित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में है ए, हरियाक राजवंश, बी, शिशुनाग, सी, गुप्त वंश, सी, नंद राजवंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नंद राजवंश, है ना, नंद राजवंश इसका जो उत्तर है हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 37। इंडिका के लेखक ए, अल्बरोनी, बी, जस्टिन, सी, मैगस्थनीस, या डी, स्ट्रैबो। तो इंडिका के जो लेखक है मैगस्थनीस हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है आपका 38। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था। ए, तो किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के बाद में अपना जो सिंहासन है त्याग दिया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, क्षमा करें, थोड़ा इधर उधर हो गया था। किस मौर्य सम्राट, देखिए इसमें, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 39 है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मैगस्थनीस ने कहा था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 40 है। निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ए, पाटलिपुत्र, बी, सांची, सी, सारनाथ, या डी, रतनपुर। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपका ए, पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 41वां प्रश्न है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा। ए, बुद्धगुप्त, बी, अश्वघोष, सी, वसुमित्र, या डी, महेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महेंद्र को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक है आपका 42। तो प्रश्न 42 क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ए, बाणभट्ट, बी, चाणक्य, सी, संप्रति, और डी, घनानंद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य है। उसके बाद अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है। तो अहिंसा, दया, दान,
सभी। तो अशोक की जो धम्म नीति का संबंध इन तीनों से है, अतः इसका जो उत्तर है डी सभी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 44 है आपका। तो प्रश्न 44 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ से मिला, जिसमें शेर की आकृति है, वह बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अशोक। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो कि 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कब किया है कलिंग पर आक्रमण? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 261 ईस्वी में। ठीक है, तो 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद में आता है आपका प्रश्न क्रमांक 46। देखिए प्रश्न 46 क्या है, सिकंदर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी ईसा पूर्व 326 में। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई ईसा पूर्व 326 में किया था। प्रश्न क्रमांक 47 है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने कौन गया था? इसके पहले ही हमने देखा है, देखिए संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 48 क्या कहता है, तो प्रश्न 48 देखें, अर्थशास्त्र के लेखक कालिदास, कौटिल्य, भवभूति और जयदेव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न क्रमांक 49 क्या है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप, जो कि अशोक को इसके शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो कि 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए आपका 50वां प्रश्न है, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? ठीक है, भूमिकर से संबंधित, तो किसके द्वारा एकत्रित किया गया था? तो सी सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51। तो निम्नलिखित में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो कौन से शिलालेख, शिलालेख 1, शिलालेख 5, शिलालेख आपका 9, शिलालेख 11। तो इसका जो उत्तर है ए शिलालेख फर्स्ट में इस पर क्या है पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका 52। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कूट संकेतन से जुड़े ये जो प्रश्न है वह है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसे सही तरीके से रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंश, तो इसका जो उत्तर है सी हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 53 है। देखिए प्रश्न क्रमांक 53 क्या कहता है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, ऊसर भूमि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, जिसे सीता कहा गया है मौर्य काल में। ओके, उसके बाद आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो डी शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हम अगला बढ़ते हैं 55 प्रश्न है, अशोक का समकालीन टाल्मी विद्युति कहाँ का राजा था? तो यह उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ए मिस्र का राजा था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 56 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए पौतवाध्यक्ष।
ठीक है, प्रश्न क्रमांक 57 है आपका, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थिनीद भारत में किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हेमू। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थिनीस भारत आया था। प्रश्न क्रमांक 58 है आपका, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो इसका जो उत्तर दोस्तों बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 59 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 60। तो देखिए प्रश्न 60 क्या है, सेंडोटोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, विलियम जोन्स ने। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से जुड़ी 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, नए बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।